हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली यादव है, और गोविंदा जी की मूवी हम देख रहे हैं। लास्ट में यार बड़ा अफसोस हुआ, कोर्ट मिनिस्टर अभी हो सकता है कि जज साहब परेशान हो गया कि एक जीता हुआ केस भाई, वकील ने साबित कर दिया कि ये गुंडा है, इसने मतलब जलाया है, लेकिन गोविंदा जी की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था भाई, चाला की बोला मैं 10 मिनट का वेट चाहिए ब्रेक, बाहर गया और आग लगा कर बुड्ढे को ही फंसा दिया। तो भाई देखते हैं क्या होता है, बड़ा मजा आ रहा है। अभी प्ले कर, जीत जाओगे पापा, जीत जाओगे। कल रात को मैंने फिर से टूटते तारे को देखा और प्रे किया कि आप दुनिया के सबसे बड़े लड़ाई बेबी। अरे तेरे नसीब से रोशन है मेरा ये घर। बस तू हर टूटते हुए तारे से अपने पापा के लिए प्रेयर किया कर, फिर देख तेरे पापा कितना बड़ा लॉयर बन जाएगा। इसलिए कि तुम्हारी आंखें मेरा आईना है मेरी जानू। अच्छा सुनिए, आज जरा काम से जल्दी आ जाइए। बन गया वाकई ये सपना है। क्यों जल्दी आइएगा, क्या है? मुझे नहीं पता। करवा चौथ रखने के बावजूद तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो? तुम्हारा चेहरा नहीं उतरता व्रत करके। आज करवा चौथ नहीं है डैडी, आज पेरेंट्स डे स्कूल में। अरे आई नो बाबा, आई नो, बट तेरी मम्मी इतनी प्रिटी है ना कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि अभी ये पेरेंट भी बन गई है। बस बस बस, आज याद से 6 बजे चीतू के स्कूल पहुंच जाएगा। 6 बजे? 5:30 बजे। बेटा 2 चॉकलेट की शर्त, तेरे पापा आज नहीं आएंगे। डोंट फूल मी, आई डोंट लाइक इट। नहीं आएंगे। Yeah, I want all the papers to be ready by evening. My. तुमके लंच आवर में ब्यूटी पार्लर जाके? No sir. तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही हो? कमाल, मैं तुमको सुबह देखता हूँ तो तुम शीढ़ी भी लगती हो, दोपहर को देखता हूँ तो बहादुर दीक्षित लगती हो। ये तो तुम बुरखा नहीं पहनती, वरना मैं तुमको कहता कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। दो चॉकलेट की शर्त लगाई थी ना, नहीं आए ना तेरे डैडी? आ जाएंगे मम्मी, डैडी को लाख बार पर छक्का मारने की आदत है, मेरे आइटम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। आ जाएंगे, I hope so. यूनुस, ये फाइल क्लियर कर देना। अम्मा कमाल है यार, तुम भी एक अजूबा आइटम हो यार, 24 घंटे फ्रेश लगते रहते हो सिलवेस्टर स्टालोन की तरह। मुझको तो समझ में नहीं आता कि तुम अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हो। हाउ डू यू डू इट? निम्बू सी ताजगी जैस्मीन सी खुशबू, तुम इंसान हो या ब्यूटी सब? व्हाट अ गाय, व्हाट अ गुड शॉट, यू आर अ गुड लुकिंग गाय मैन। मर गया मेरी बीवी का फोन। आज तो पेरेंट्स डे के लिए मेरे चिंटू को स्कूल जाना था। हेलो, द मोबाइल कस्टमर यू हैव डायल इज करंटली अनअवेलेबल, प्लीज ट्राई कॉलिंग लेटर। आई विल ट्राई एंड कॉल यू लेटर, मगर आपका बेटा आपके लिए स्कूल में इंतजार कर रहा है, जरा जल्दी आएंगे प्लीज। तुम लोग काम संभालो, तुम लोग सब मिलकर काम संभालो, मैं भाग रहा हूं। अच्छा नहीं याद है ये। ओ साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अरे पेरेंट्स डे हो रहा है ना अपन, आप बहुत जल्दी आ गए साहब। क्यों, अभी तो शुरू नहीं हुआ क्या? शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गए 2 घंटे हो गए, और आप अगले साल के फंक्शन के लिए 1 साल जल्दी आ गए। नाम क्या आपका? बाबूराव साहब। कितना कम बोलते हैं। अच्छा देखिए, जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। क्या बन जाऊंगा सर? होटल दाज के गेट के बाहर खड़े रहेंगे। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। सलाम सर जी, खुश भी हो रहा देखो। शांति, देखो डैडी आज भी प्रॉमिस करके नहीं आए, मेरे सारे दोस्तों के पेरेंट्स आए थे। चिंटू बाबा, पापा को कोई काम पड़ गया होगा। आंटी, पहले पापा कितना मजा कराते थे, डिनर पर ले जाते थे, पिकनिक पर ले जाते थे, स्कूल छोड़ने आते थे और लेने आते थे। और मांगो टूटते हुए तारों से दुआएं। तुम ही चाहते थे ना कि तुम्हारा पापा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने। अब भुक दो। हाय माय बेबी, अब जिंदगी में पहले कभी ना सुना हुआ बहाना सुनाएंगे। कैसी वाइफ हो तुम, मेरी बात करने से पहले ही मेरी बात को बहाना बोल रही है। अरे तुमको तो मेरी शक्ल देखकर मेरी हालत का अंदाजा लग जाना चाहिए। मासूम की किस्मत अच्छी थी जो मरते मरते बच गया इसके पापा। क्या हुआ पापा? अरे मैं जल्दी जल्दी निकला ना तेरे स्कूल आने के लिए बेटा, तो फिसल गया, तो तर 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 फिसल के सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। अरे अरे, कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी ना। कहाँ? घुटने पर। कहाँ यार? राइट में।
क्या 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 कर रही हो? अरे देख रही हूँ बाबा, कहीं सूजन तो दिख नहीं रही है? तो अंदर से हथौड़ा लाके मार के सुझा दो यार। अरे जान दिख नहीं रही है तो क्या करूँ? अब तो कितना शक करती है सोना आजकल। मम्मी क्रॉस एग्जामिन मत करो, जाकर अंदर से स्प्रे लेकर आओ पापा के पैर पे। अच्छा प्यार, स्प्रे का नाम भी बता दे मम्मी को, वरना कीड़े मारने का स्प्रे ले आएगी। तुम्हारे तो घुटने में चोट लगी थी ना? हाँ तो चोट लगी है ना, बच्चा खेलने के लिए बोलेगा तो खेलूंगा नहीं क्या? बहुत झूठ बोलते सोना। पहले कम बोलता था, अब तो भाई हर बात में झूठ से। I love you। कितना शक करती है सोना बेबी। जा जा के बोलने का खेल। जी पापा। सोना खुशी के मारे मोहना तेरी वॉक तेज तेज की हो रही है। फूल ये वकालत का धंधा छोड़कर फूल बेचने का धंधा शुरू कर दिया? ओ ब्लडी फूल, फूल बेचने के लिए नहीं देने के लिए आया, भूल गया तेरी घटी घर वक्त नहीं है। अरे मर गया यार, यार पेरेंट्स डे के बारे में भूल गया था तो इसने मुझे बेडरूम के बाहर निकाल दिया था। मैरिज एनिवर्सरी के बारे में भूल जाऊंगा तो ये तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। और तू काम कर, तू फूल मुझे दे और तू जा। और तू जा कैसे भाई, भाभी को मुबारकबाद देनी मुझे? अरे तू पागल हो गया है? अभी तेरे भैया ने तेरे भाभी को मुबारकबाद दी, तू कहां से देगा? तू एक काम कर, तू जा शाम को दूसरे फूल लेकर आ जाना। चल जा। मैंने तो एक बार किया था, इसने तीन बार कर दिया। सोना जाना, जानू बेबी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तुम क्या सोच रही थी कि मैं आज अपनी शादी के सालगिरह भूल जाऊंगा? मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगी। अरे मेरी जान, तू तो जानती ही नहीं है कि तू मेरी जान है, तू मेरा जहान है, तू ही मेरी धरती है, तू ही मेरा आसमान है। अरे के घर पे आज उनका वेल्डिंग एनिवर्सरी है यार। अरे अंग्रेज लोगों की कमाल का वर्ड निकाला वेल्डिंग। लोकल की सलाखों को भी टाका मारने को वेल्डिंग बोलते और इंसान के जोड़े को भी वेल्डिंग। लेकिन अपने जैसे भाई लोग जो लोकल की सलाखों के भाई रहे ना, वो वकील साहब की मेहरबानी से है। अभी तो एक काम कर, वकील साहब को पहले तो तू याद दिला कि आज उनका हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। वेल्डिंग एनिवर्सरी, मगर तुम कौन? काला वाय। अभी जल्दी जा, फूल का वजन जास्ती है। अरे वाह मेरे शेर, जिन्होंने पसंद किया भी तो मर्द वालापन नकली क्यों? अपने जैसे भाई क्यों होते वो असली गन से खेलना यार। मेरा ये असली गन है? बिल्कुल, चला के देख। अड़ोस पड़ोस के चार घर के दूध के बर्तन में गिर गए ना तो अपना नाम काला भाई नहीं, अबे पंचर उधर उधर। क्या हुआ यार? क्या हुआ? अभी माँ कसम कमाल का निशाना आपके छोकरे का, ये बड़ा होके बहुत भाई। क्या कर रहे हो तुम? वकील साहब, वकील साहब। काला भाई हो? भाभी है, भाभी है। मुझे कोई बात नहीं, मारा आपने को ना, आपने देवर समझ के मार खा लिया यार। और कोई होता ना तो इसमें पांच गुली बाकी है। काला भाई, I'm very sorry, very very sorry। चलता है भाभी, काला चलता है। Happy wedding anniversary। Thank you, thank you। गोवा वेरी सॉरी है, वेरी सॉरी तो। सुना, बाल में कौन है वो? मुंबई के माफिया का राइट हैंड आदमी है वो। और हो भी कौन सकते हैं? क्या हो गया है आपको? पहले मोहन भाई साहब जैसे अच्छे और ईमानदार लोग आपके दोस्त हुआ करते थे, और अब ये गुंडा माफिया आपके सर्कल हो गए, घर तक आने लगे। सोना वो मेरा क्लाइंट है, ऑफिसर घर में नहीं आएगा तो खा जाएगा वो। पर इसका असर अब मेरे बेटे पे पड़ने लगा है। आज बंदूक चलाना सिखा, कल बम बनाना सिखाएंगे। मैं इस घर में नहीं रह सकती। सोना चल, सोना 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 सोना, चलो सामान मांगो, सामान मांगो। मैं जा रही हूँ, तुम्हें खुशी पड़ेगी। खुश कैसे होगा, बीवी चली जाएगी तो? बीवी बच्चे के साथ तो घुसती होती है। मेरा सामान बांधो ताकि मैं भी तुम लोग के साथ रहूंगा, पड़ा रहूंगा किसी कोने में। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं। लेकिन मैं बताता हूँ ना तुम मेरे साथ प्यार करता क्या है बंदा। इससे भी आप बैंक का है। तुम नीचे गिर जाओगे चिंटू, तू पागल। अरे नहीं नहीं नहीं, हाय मेरा बच्चा। हाय मेरा तो कभी लाड नहीं करती तुम। हाय मेरा पे। क्या भाई क्या। अच्छा सुन बेटा,
तुझे पक्का पता है डैडी यही आने वाले थे? हाँ मम्मी, उन्होंने यही कहा था कि वो अपने क्लाइंट के साथ सेंटर होटल में डिनर के लिए आने वाले। अच्छा चलता है, जूस पी। पता नहीं कहाँ फंस गए होंगे, आदत से मजबूर। क्यों तुम मुझे शादी से पहले क्यों मिली? क्यों, वरना तुम मुझसे शादी करते? सीधी बात है। अच्छा हो तुमने मुझसे शादी नहीं की। क्यों? वरना मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर तुम्हारी बीवी की तरह इंतजार कर रही होती। मजाक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। इधर क्या घुमा रहा है यार? पीना? अक्सर मैं खाने के लिए यहीं पर आता हूँ। व्हाट फूड यू गेट हियर? ब्यूटीफुल प्लेस फॉर ब्यूटीफुल पीपल। मम्मी मम्मी डैडी आ गए। काम तमाम। क्या करे यार, अब तुम तो झूठ बोले यार। सुनिए, अरे मैडम तो चली गई, इस केक का बिल कौन भरेगा? बिल मेरे नाम का फटा है भैया, तो मैं ही भरूंगा। कौन थी वो? तारा। कौन तारा? चट्टा की बीवी। चट्टा? कौन चट्टा? तुम चट्टा बोली जानती? मेरा क्लाइंट। तो क्लाइंट की बीवी का इस तरह सबके सामने हाथ पकड़ कर क्या कर रहे थे आप? तो तुमने तो मेरा सिर्फ हाथ उसके हाथ में देखा, उससे पहले मेरा हाथ उसकी कमर में था। क्या? हाँ, और उससे कुछ देर पहले जबरदस्ती पकड़ कर मैंने उसे अपने गाड़ी में ढकेल दिया। बेटा अंदर जाए। अंदर नहीं जाएगा वो। अब जब उसने सब कुछ सुनी लिया है तो पूरी सच्चाई और से सुनेगा हमारा चिंता। सच्चाई? हाँ सच्चाई, जिसका तुम्हें पता नहीं। तारा और चड्डा साहब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, हमारी तरह। उन दोनों की भी थी हमारी तरह, मगर तारा का नसीब अच्छा नहीं तुम्हारी तरह, क्योंकि उसका पति बेवफा नहीं। तारा ने चड्डा साहब को रंगे हाथों सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया, बात डिवोर्स तक पहुंच गई। और मैं नहीं चाहता था कि हमारे मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन किसी का डिवोर्स हो जाए, वो इसलिए कि तारा के भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। चिंटू जैसा बेटा, एक छोटी सी बेटी है जो ठीक से मम्मी पापा भी नहीं बोल सकते। अब तुम बताओ अच्छा लगता है? दो मासूम बच्चे माँ बाप की वजह से आपस में फट जाए। मैंने जबरदस्ती तारा को गाड़ी में बैठाया और हाथ पकड़ कर चड्डा साहब से सेटलमेंट कराने के लिए मैं होटल में आया। अब मुझे नहीं मालूम था कि पराई आपको बुझाते बुझाते मेरे खुद के हाथ चल जाएंगे और अपने बेटे के सामने उसकी माँ की अदालत में हम मुजरिम करार कर दिए जाएंगे। ये तो वही बात है कि मैं किसी का केस सॉल्व करने के लिए गया और मेरी जिंदगी का केस खराब हो गया। वकील है ना, ये इस तरह सेकंडों में बातें बना देता है भाई। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। ये पागल है बेचारी, उसे कितना प्यार करती है। पागल का प्यार करती है उसकी बेचारी। Come on, let's go. Let's go. Let's go.